अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जुमा मुबारक आप सब लोगों को। आज जो है हमारा उम्रे से वापस आने के बाद पहला जुमा है, तो आई जस्ट गॉट अप, टुक अ शावर, फ्रेश वगैरह होके अब मैं जो हूँ जुमे की नमाज़ पढ़ूंगी और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा अपने बाल बाल ड्राई करके तैयार होके फिर उसके बाद असर प्रॉबेबली हो ही जाएगी, फिर सूर्य काफ पढ़ूंगी एंड देन आई हैव सम थिंग्स टू डू अराउंड, एरेंड्स टू रन और मुझे अपने टेलर से जो है कपड़े भी उठाने हैं तो वो करूंगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को भी सब साथ दिखाऊंगी। बट फॉर नाउ नमाज पढ़ते हैं। ये जानमाज जो है जी हम लोग मदीना से लेके आए थे, इसको देखते ही जो है मुझे मदीना इतना याद आता है, इतना याद आता है। हम चार लेके आए थे, जो ओरिजिनली मदीना की थी वो ग्रीन कलर की थी, तो वो एक हम लोगों ने डैडी को दिए और एक मैंने जो है मम्मा के लिए रखी है। जब वो लोग आएंगे, मम्मा लोग भी आ रहे हैं हम लोगों को उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए इंशाल्लाह इन अ फ्यू डेज़, जब उनकी शूट ख़त्म हो जाए। तो यू नो आई जस्ट स्टिल कॉन्ट गेट ओवर इट। मैं जैसे ही इस जानवाज़ पर खड़ी होती हूँ ना, बस मुझे लगता है जैसे मैं वहीं मस्जिद नबी की सहन में जो है नमाज़ पढ़ी हूँ और वही वाला सुकून है और यू नो खूबसूरत सी अजान की आवाज़ जो है वो मेरे कानों में बजना शुरू हो जाती है। सो आई कॉन्ट वेट टू गो बैक इंशाल्लाह। देखें जी हमारे टेरेस में फिश बारबेक्यू हो रहा है हमजा महाराजा के लिए। हमजा महाराजा सीरियसली। और इन साहब को अभी अभी वॉक करा के आए और ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये है बिस्किट, कह रहा है कि छोड़ दो मुझे बस। क्या हो रहा है बिस्किट, भूख लग रही है, वो भी देख उसको स्मेल आ रही है। बिस्किट है, बिस्किट मुझे जो है नमाज पढ़ के वीडियो बनानी थी तो मैंने वीडियो बनाई है। अब असर का टाइम हो गया है और बिस्किट को भी वॉक करा के आई हूँ। अब असर पढ़ के इंशाल्लाह कुरान पढ़ती हूँ मैं एंड देन उसके बाद आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बिकॉज़ आज से मुझे पढ़ाई भी शुरू करनी है अपने पार्ट टू के लिए और उसके लिए मुझे नोट्स प्रिंट कराने के लिए देने हैं, दर्जी से कपड़े पिक करने हैं, खाना बनाना है, जिम जाना है। मैं सोच रही थी कि हमजा का क्या बनाऊँ, चलो वो तो सॉर्टेड हो गया है। आसिफ भाई जो है वो फ्रेश फ्रेश इसके लिए फ़िश बारबेक्यू कर रहे हैं और इनको इन साहब ने जो है वॉक कर ली है और अभी ज़रा एक्सप्लोरिंग के मूड में, तो हम लोग इनको ज़रा छोड़ते हैं कमरे में ताकि थोड़ा घूमें फिरें एक्सप्लोर करें और तब तक मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। जी ये ब्रूनो का स्नफल मैट है, इसमें जो है मैं अभी इसको खाना डाल के देने लगी हूँ बिकॉज़ ये बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, तो इसमें जो है ज़रा आहिस्ता खाता है तो उससे ब्लोटिंग और पेट ख़राब और वो वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ही इज़ सो मच मोर इंटरेस्टेड इन इट देन ब्रूनो इज़। भाई मैंने खाना खा लिया, फ़िश बहुत मज़े की थी। वैसे मुझे सी फूड पसंद नहीं है इतना, बट फ़िश वॉज रियली रियली नाइस। आसिफ भाई ने बहुत अमेजिंग फ़िश बनाई थी, अम्मा ने मसाला बनाया था, आसिफ भाई ने ग्रिल की थी। तो अब जो है मगरिब का टाइम हो गया है और मुझे जो है बहुत घर पे ना मेकअप पहनना अच्छा नहीं लगता, सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल माई मेकअप ऑफ एंड देन मैं मगरिब पढ़ूंगी। और मेरे जो है आज बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, मैंने डाइसन थोड़ा सा क्रैक कर लिया है। बस ये जो मेरे बैंग्स है ना ये मुझे अनॉय करते हैं और अब मैं थोड़ा पछता रही हूँ बैंग्स कटवा के ना, आई जस्ट वांट देम टू ग्रो आउट बिकॉज बाकी मेरे बाल इतने अच्छे होते हैं एंड अलग से मेरे बैंग्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं नीचे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट माई हेयर लुक रियली नाइस। गिटार बजा रहे हैं कमरे में। तो बस मैं जो हूँ मेकअप उतार के नमाज वमाज पढ़ के फिर आई एम गोइंग टू गो फॉर माई प्रिंटिंग टू दर्जी और दर्जी के साथ और दर्जी से जो कपड़े आए वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अली की वीडियो पे ना किसी ने कमेंट कर दिया था कि आप जो हैं गिटार भी बजा के सुनाया करें यूट्यूब पे, तो अली कुछ ज़्यादा ही जो है उससे इनकरेज हो गया और वो अंदर कमरे में गिटार बजाने चला गया। आज आई एम ट्राइंग अ न्यू रेसिपी, मैंने एक फिटनेस ब्लॉगर हैं उनको बनाते हुए देखा है, विच इज़ बेसिकली चिकन कोटेड इन कॉर्न फ्लेक्स एंड देन डिप्ड इन बारबेक्यू सॉस एंड हनी। तो वो जो है टेंडर्स लाइक बेसिकली बारबेक्यू टेंडर्स हैं, तो वो मैं बनाने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी एंड इफ दे टर्न आउट राइट यू शुड ट्राई देम टू। मैंने कल चावलों वाला एक्सपेरिमेंट किया था वो तो बहुत अच्छा निकला, अब हम लोग आज ही चिकन वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। रोज़ कुछ नया नया ट्राई करेंगे ताकि मुझे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज पता चलती रहें हेल्दी और आप लोगों को भी पता चलती रहे। एक बात बताओ, जो कमेंट था गिटार बजाया करे उसको देख के गिटार बजाना शुरू किया ना? नहीं मैंने नहीं देखी। गला बैठ रहा था। अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा ना, गला तो कब से बैठा है? दिल तो कमेंट को पढ़ के किया ना, चला यार याद आ गया गिटार भी है मेरे पास बजाना चाहिए। अच्छा सुनो एक काम करो, मुझे वीडियो बनानी है पैलेट के स्वाचेस की, मैं हाथ से करूंगी, तुम वीडियो बना लो प्लीज फॉर माय इंस्टाग्राम प्लीज। जा रही हूँ।
मेकअप उतारने का तो टाइम नहीं मिला क्योंकि बिस्किट को जो है पॉटी रन आ गया था तो उसको लेके चले गए थे वॉक पे, और फिर उसके बाद अली ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि चलो जिम चलो जिम चलो जिम चलो। और जो मेरी प्रिंटिंग है उसके लिए मैंने राइडर को भेज दिया था, अभी जिम के पास ही मेरा टेलर है तो वहाँ से कपड़े कलेक्ट कर रही हूँ मैं। इन शॉर्ट काम हमारा कोई भी नहीं हुआ, गैंगस्टर के साथ जा रहे हैं जिस बाय द वे, हमारा काम कोई नहीं हुआ क्योंकि जो प्रिंटिंग है वो कल मिलेगी। दर्जी मेरे ख्याल से बंद हो चुका होगा, दर्जी कभी नहीं बंद होता, वो सोता ही वहीं पे। प्लीज जल्दी करना, जिम बंद हो मुझे जाएगा। लिटरली सिर्फ कलेक्ट करने हैं कपड़े, तुम्हारा लिटरली भी वो होता है ना, मुझे पता है ना क्या होता है। और फिर जिम करके, जिम के बाद जो है मुझे जाना है जरा ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, फार्मेसी से एक दो चीज़ें लेनी है। और वो अम्मा ने बोला था कि मुझे भी ले जाना था धनी के घर छोड़ देना, बट आई थिंक हम ना आ गई थी, फिर वो नहीं, उन्होंने बोला कि हम ना के साथ ही बैठ जाते हैं। खैर फिर जो है और क्या करना था, हाँ मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं सुबह में उठ जाऊँगी और मैं पढ़ूंगी एंड आई विल वेक अप अर्ली। ग्रेट प्लान, ग्रेट प्लान, बट आई एम श्योर कि तुम नहीं कर सकते। गाइस आप लोगों को भी कंफर्म, ये हमारी बेटी गाइस आप लोगों को याद है ना कि जब मैंने अपने प्लैब वन के लिए पढ़ना शुरू किया था तो मैं सुबह सुबह उठ के लाइब्रेरी जाती थी, जो मुझे तब से फॉलो कर रहा है, देयर अ विटनेस ऑफ इट दैट आई यूज्ड टू वेक अप एट 8 AM एंड आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी। इधर कम आओ, आप कमेंट्स में प्लीज हमें ये बताएं क्या आपको लगता है कि अनिया सुबह 7 बजे उठ के पढ़ेगी, बिकॉज मैं आप लोगों को फुल कन्विक्शन के साथ बता रहा हूँ कि रात के टाइम जैसी रात होगी ना अनिया तब पढ़ेगी, दिन में अनिया कोई नहीं पढ़ने वाली। और ये ऐसी बस फजूल की बातें हैं कि ऐसे कर लूँगी ऐसे कर लूँगी, लाइक प्लान बड़ा अच्छा है, सुनने को बड़ा अच्छा लगता है लेकिन होने नहीं वाला। ओके गाइज मैं आपको सच सच बताती हूँ, जब एग्जाम करीब आ जाता है ना तब आई नीड टू स्टडी एट नाइट, दैट आई अग्री विद कि मुझे ऑल नाइटर्स के बगैर नहीं पढ़ा जाता, बट पहले से जो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ वो मैं सुबह पढ़ लेती हूँ। और मैं आप लोगों को उठ के दिखाऊंगी सुबह में, क्योंकि 7 बजे जो है बिस्किट का पॉटी टाइम होता है एग्जैक्ट। और जब मैं उसको लोगों का फेथ देख लेते हैं देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बताऊंगी, मैं आपको उठ के दिखाऊंगी। टेलर कहाँ है? ठीक है मैं आपको उठ के दिखाऊंगी। टेलर कहाँ है? वो वाले प्लाजे में, पता नहीं तुम गए हुए तो प्लाजे में ले जाओ, जो तुम्हें पता है ये है, बट इसके चार साइड्स है ना, ये वाला इधर नीचे। हाँ बस मैं जाता हूँ। कौन सी बैंक? मैं ले आऊंगी। अच्छा। ये बैंक ऑफ पंजाब से इधर सीधा था अंदर। अकेला तो नहीं छोड़ा मैं, तो तुम चलो मेरे साथ फिर। सारी जिंदगी का डिलेमा था, अम्मा इतना पकाती थी ना, मुझे तंग करती थी, मुझे सिर्फ पिक मुझे दर्जी के लेके जाके दो घंटे में बैठा। इसीलिए मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं आती हूँ अपने साथ, मैं तुम्हें बोल रही थी मैं खुद पिक कर लूंगी कपड़े दर्जी से। सच सच बताओ कितना टाइम लगेगा? मुझे लिटरली सिर्फ पिक करने हैं कपड़े ब्रो। ओके तक लो व्हाट तक लो, गैंगस्टर बन जाऊंगा। आ तो गए वैसे यार, गुड अमाउंट ऑफ हेयर इज बैक, आई एम गैंगस्टर गाइस। गेट यू अ हस्बैंड दैट अकंपनीज यू टू द टेलर, not because he wants to, only because the gym is right next to the tailors. Chale. Wait. Hisab ho raha hai. They ho gaye gym se. And this guy is doing an entire skincare routine in the gym. Mood ho raha hai. You can do that at home, Ali Hamza. What? Ghar pe dho lena mood. Tuck le. She's called me Takla. Yes. Can you keep this hair? Huh? Can you keep this hair? What? I like touching your soft head. No, I'm not used to it. Okay, let's go. D. Boston. Okay. Hey, yo. Yo. What's up, yo? What's up? Why are you in my hood? What's up, my bro? Why are you in my hood, bro? Yeah, bro. मुझे भूख लग रही है हमजा। कब भूख नहीं लगती? भूख लग रही है। भूख इज वेरी बाईपोलर। माय भूख इज नॉट बाईपोलर, आई ईट स्मॉल मील्स। ओके ये एक टाइम पे 4 लोगों का खाना खाता है फिर बोलता है मुझे तो भूख लगती नहीं है। आई नीड प्रोटीन। ही हैड 1 किलो मछली टुडे फॉर लंच। आई डिडंट हैव 1 किलो मछली, आई हैड 200 ग्राम्स मछली यार। ओह माय गॉड अली, यू डिड नॉट हैव 200 ग्राम्स मछली। मैं वजन कर रहा था। लाइज। हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है। कॉर्नफ्लेक्स ले लिए मैंने फॉर द एक्सपेरिमेंटल चिकन। हाउ डू यू फील अबाउट कॉर्नफ्लेक्स क्रस्टेड चिकन? आज बना रही हूँ। यस कूल। तो जिम से आके नहा धो के स्किन केयर करके लिप केयर करके अब मैं आई हूँ अपने वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो है 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट को सीजन करके रखा है केजन सीजनिंग से, ये केजन स्पाइस है, पेपरिका पाउडर से और सिर्फ नमक से। सो दीज 3 थिंग्स ये मैंने जो है फौजी के कॉर्नफ्लेक्स क्रश कर लिए हैं 50 ग्राम्स।
अंडा बीट करते हैं और इसको डिप करके इसकी कोटिंग करते हैं। जी हमारे टेंडर्स कोट हो गए हैं, अब हम इस पर ऑयल का स्प्रे करेंगे। अब हम इसको 185 पे 15 मिनट्स के लिए बनाएंगे। भाई अली से ऐसे ही करते से मैं पूछते हैं कि अली डू यू वांट सम, आई एम मेकिंग इट, ही इज लाइक ऑफ कोर्स आई वांट सम। तो अब चलें अली के लिए भी बनाते हैं। ये टेंडर्स वाली जो ना थोड़ी ख्वारी है, मैं सोच रही पूरा ब्रेस्ट ही जो ना कोट कर लूँ। ये जो है अली की भी चिकन मैंने कोट करके रख दी है, मेरी हो जाए तो फिर इसकी बनाते हैं। तब तक हम बनाते हैं सॉस। हमारी सॉस बन गई है, इसमें हमने डाला है 25 ग्राम हनी, 60 ग्राम बारबेक्यू सॉस और 1 टीस्पून विनेगर। अपने चिकन टेंडर्स को देखें क्या हाल चाल है। ओ हो वाओ, 2 मिनट्स लेफ्ट, चिकन स्ट्रिप्स तैयार है। अब हम इसको सॉस में लथड़ेंगे। अली की चली गई हैं एयर फ्रायर में, बट ही ट्राइड वन ऑफ माइन एंड बहुत मजे किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सक्सेसफुल गाइस। ये तो हमारे चिकन टेंडर्स तैयार हैं, लेट्स ट्राई। यार मैं पहले तुम्हें रिव्यू दे चुका हूं, तुम्हें क्या जरूरत है देने की भी। अच्छा ये बाकी मुझे दे दो, ये आधे वाला दे दो प्लीज। हेवन गाइस फायर। अच्छा प्लीज दे दो ये वाला दे दो, तुम्हारे बन रहा है ना। अच्छा तो वेट नहीं हो रहा, नहीं दे दो थोड़ा। अरे मेरा प्रोटीन आया वाला, कोई बात नहीं पूरा नहीं। और ये इसका खाना चुरा लो ना तो इतना शोर करता है। इतना तुमने खाना होता उसकी कार्डियो हो रही है और लोग गिर गया था बीच में। अरे वो ब्रूनो जो ब्रूनो अच्छा बिस्किट इधर आओ, नाम की पहचान हो गई बिस्किट को, अपने नाम की पहचान हो गई है बिस्किट को। लीश की आदत नहीं पड़ रही अभी, आ जाओ बिस्किट, बट स्लोली गेटिंग देयर। ये हमारा जो शहजादा है ये तो इतना ऑफ लीश ही ट्रेन हुआ हुआ है माशाल्लाह से। इसकी लीश देखें ज़रा कहाँ है, अपने कंधे में डाली हुई, बिकॉज ही इज़ सो गुड विद वॉक्स इवन विद विदाउट हिज लीश, के इतना अच्छा ट्रेन है माशाल्लाह से। कोई कुत्ता आ जाए सामने, कोई बिल्ली आ जाए, बिल्कुल ही सो कंटेंट बैठा रहेगा, भौंकेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। भाई मैं 3 बजे सोई थी और मैं 7 बजे तो नहीं उठ सकी, बट आई वोक अप एट 9 एंड दैट इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ प्रोग्रेशन फॉर मी, बिकॉज आई नॉर्मली वेक अप एट 2 और 3। तो मैं 9 बजे उठ गई भाई, सो आई कंसिडर दैट अ विन। इंशाल्लाह कल से थोड़ा सा उसको अर्ली करें, फिर लाइक 7 थोड़ा ज़्यादा जल्दी है, 8 बजे तक उठना, बिकॉज बिस्किट भी 3 बजे सोया था, तो बिस्किट भी जो है आज 10 बजे अब आज 9 बजे जो है पॉटी करने के लिए उठा है, और अभी हम इन प्रोसेस हैं, ज़रा घूम फिर रहे हैं ठीक है, बट अभी तक पॉटी नहीं की हमने। है बिस्किट, बिस्किट मैं तो ऑलमोस्ट टाइम पे उठ गई थी, बट दिस गाय हु वाज सपोज्ड टू गेट अप एट 9 इट्स 11 नाउ, 11, और ये उठने के बाद भी जो है 4 घंटे ऐसे फोन पे लगा रहता है। सो बेसिकली इफेक्टिवली ही इज गोइंग टू गेट अप एट 1। हनी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं जा रही हूँ। मैं बस आप लोगों को जो है जल्दी से अपने कपड़े जो मेरे कल दर्जी से आए हैं वो दिखाती चलूं, बिकॉज आई वाज रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइस। अभी मैं अम्मा को सारे दिखा के आई हूं, बिकॉज मेरी पार्टनर जो है ना वो कपड़ों वपड़ों के इंटरेस्ट में जो है ना वही होती हैं, तो पहले मैं अभी उनको दिखा के आई हूं। और मुझे कल रेटिनॉल से जो है भाई पर्जिंग हो गई है, सो इसी में छोटे छोटे दाने निकल गए, बट इट्स नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो चले आपको कपड़े दिखाते हैं। ये मुझे अम्मा ने सूट दिया था निशात का कुछ टाइम पहले। भाई मैं इसी तरीके से करती हूँ कि मेरे जब बहुत ज़्यादा सिलने वाले कपड़े जमा हो जाते हैं तब मैं एक टाइम पे सिलवाती हूँ, एक एक सूट के लिए नहीं मुझसे जाया जाता। तो ये जो है एक प्लेन निशात की शर्ट है लॉन वाली, उसको मेरे दर्जी ने जो है ना बहुत थोड़ा ये जो है इस तरह के बाजू लगा के लेस लगा के बहुत प्यारा सा बनाया है। दिस टेलर इज़ रियली रियली नाइस, ये अम्मा का टेलर है, G11 में जो है सिद्दीक टेलर के नाम से होता है, एंड ही इज़ टू गुड भाई, वेरी नाइस। तो ये शर्ट है, ट्राउज़र इसका वाइट प्लेन है, दुपट्टा इसका जो है ना बहुत प्यारा है। सो ये देखें ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है एंड इट्स स्टनिंग,
ज़रा बिस्किट को सुनते जाएं। ये मुझे जो है एक टू पीस विंटर का सूट है जो आज से कोई 5 साल पहले मुझे मेरी क्लाइंट ने दिया था एंड अब जाके मैंने सिलवाया है। तो ये जो है आई हैव नो आइडिया ये कहाँ का है, मुझे भूल गया। ये इसकी शर्ट है, ठीक है, वेरी प्रिटी। और ये इसका ट्राउज़र है। क्या हो गया बिस्किट? ये ट्राउज़र है। ये वाला जो सूट है ये बहुत हसीन है। ये डैडी जब कराची गए थे, अली के डैडी, जस्ट क्लैरिफाइंग बिकॉज हम दोनों अपने डैडीज को डैडी बोलते हैं, जब वो कराची गए थे तो वो मेरे लिए बीस्ट्री से 2 सूट लेके आए थे, उसमें से एक ये है। इट्स वेरी 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 प्रिटी। ये देखें ये, और इसके इधर जो है इस तरह से गोल गोल बटन लगाए हैं मेरे टेलर ने, और यहाँ पे जो है साइड पे लेस लगाई है, इधर उसने थोड़ी धागे वाली एम्ब्रॉयडरी की है, और इधर भी उसने थोड़े वो टैसल टाइप लगाए हैं। सो दिस इज़ वेरी 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 प्रिटी। इसका भी ट्राउज़र जो है वाइट प्लेन है भाई। और ये जो है इसका दुपट्टा है, दिस इज़ द दुपट्टा। तो शायद ये आज जो है जैद के घर पे दावत है, तो शायद मैं ये पहनूँ, या जो दूसरा डैडी लाए थे वो ग्रीन वाला पहनूँ, वो दिखाती हूँ आपको। एक ये सूट है, ये करीब से देखें, दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ग्रीन, और इसमें पीच पिंक सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये, ठीक है। ट्राउज़र इसका ग्रीन प्लेन है, और ये इसका दुपट्टा है, दिस इज़ द दुपट्टा। सो दिस इज़ आल्सो वेरी प्रिटी। एक रह गया, वो मैं तैयार होके, अभी जो है हॉस्पिटल में जो जाना है तो वो मैं तैयार होके पहन के जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये वाली वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, और बिस्किट ऑनेस्टली भी बहुत तंग कर रहा है। नीड टू आई थिंक इसको फिर से जो है, क्योंकि अभी जब हम गए थे तो उसको ने पॉटी नहीं की थी, तो आई थिंक हम उसको पॉटी आ गए, तो उसको लेके चलते हैं। और आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।